फिल्म की स्टार्ट 1904 से होती है और तभी हॉस्पिटल में एक सबीना नाम की लड़की को लाया जाता है और जिसको हिस्टेरिया की बीमारी थी। इस बीमारी में पेशेंट हंसना और रोना एक साथ करते हैं और जब डॉक्टर यान सबीना के पास जाते हैं तो उस पर साइको मेथड का उपयोग करते हैं और इस मेथड में डॉक्टर पेशेंट से उसके पास के बारे में पूछता है ताकि वो पेशेंट के बीमार होने का कारण जान सके। और ये मेथड डॉक्टर फ्रायड की थ्योरी पे बेस्ड था और ये मेथड सिर्फ एक थ्योरी थी, इसीलिए इस मेथड को ज़्यादातर डॉक्टर यूज़ नहीं करते थे। और डॉक्टर यान सबीना भी ये मेथड यूज़ करने लगे और डॉक्टर यान ने उससे उसकी पास्ट और बीमार होने की वजह पूछी। इलाज के दौरान डॉक्टर सबीना के पीछे बैठते थे ताकि वो डिस्टर्ब ना हो सके और वो अच्छे से अपने पास्ट के बारे में बता सके। और तभी डॉक्टर यान को पता चलता है कि इस बीमारी के पीछे और किसी का हाथ में उसके पिता ही का हाथ था और उसका पिता उसकी छोटी छोटी गलतियों पर बहुत मारता था। जब वो लड़की कोई भी गलती करती तो उसका पिता उसके कपड़े उतार के उसके पीछे मारता था और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उस लड़की को अच्छी लगने लगी और जब वो लड़की बड़ी हो तो उसके तरफ और भी आकर्षित होने लगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद उस चीज़ का उस पर बुरा असर पड़ने लगा और उसके बाद उसको ये। लेकिन अब सबीना डॉक्टर यान के ट्रीटमेंट से ठीक होने लगी थी और डॉक्टर यान उस लड़की की हेल्प करने लगे क्योंकि वो लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी थी और वही लड़की इस मेथड से बाकी और सभी मरीजों को ठीक करने लगती है। और इसके अलावा डॉक्टर यान की मैरिड लाइफ काफ़ी खुश थी, उनकी वाइफ एमा एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन की बेटी थी और उसके 2 साल के बाद वो लड़की काफ़ी ठीक हो गई थी और वो लड़की साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती थी और डॉक्टर यान के कहने पर उस लड़की को वहाँ से छोड़ दिया गया और जिसके बाद वो लड़की मेडिकल की पढ़ाई करने मेडिकल स्कूल जाती। और इस मेथड के बाद डॉक्टर यान अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर फ्राइड से मिलने जाते हैं लेकिन वहाँ उनको पता चलता है कि डॉक्टर फ्राइड के विचार सबसे अलग हैं और वो दूसरों की अपेक्षा अपनी बात को ज़्यादा महत्व देते हैं और वो अपनी बात को सही और ऊपर रखते हैं। एक तरफ सबीना भी डॉक्टर यान से अटैच रहती है और एक दिन वही लड़की डॉक्टर यान को किस करने लगती है और डॉक्टर यान उसे इग्नोर करते हुए अपने अस्पताल जाते हैं। लेकिन यान भी कहीं ना कहीं उस लड़की से अट्रैक्ट थे और लेकिन वो अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि डॉक्टर यान जानते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है, ये सब करना गलत है। और तभी उनके पास डॉक्टर फ्रायड की तरफ से डॉक्टर ग्रेस आते हैं जो कि एक डॉक्टर होते हैं और वो बोलते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। वो बोलते हैं कि हम अपने पेशेंट साथ सब कुछ करते हैं, उनके पेशेंट जैसा बोलते हैं वो वैसा करते हैं, अगर पेशेंट फिजिकल होना चाहे तो वो फिजिकल भी होते हैं और ये सलाह डॉक्टर को भी देते हैं कि तुम भी फिजिकल हुआ करो। और फिर डॉक्टर यान उस डॉक्टर की बात मान के उसी लड़की के साथ फिजिकल होते हैं और वही लड़की डॉक्टर से बोलती है तुम्हें मुझे पीछे वैसे ही मारो जैसे मेरे पिता मारते थे, मुझे अच्छा लगता है। और ये चीज़ डॉक्टर यान को काफ़ी अजीब लगी और इस चीज़ के बारे में वो कई बार डॉक्टर फ्रायड से भी डिस्कस की और तब डॉक्टर फ्रायड बोलते हैं कि उस लड़के को प्लेजर लेने की आदत है तो तुम उसको प्लेजर देते रहो। और एक दिन वही लड़के डॉक्टर यान के पास आते हैं जो उनसे बोलते हैं मुझे बच्चा पैदा करना है और ये बात सुनकर डॉक्टर यान उस लड़की को साफ मना कर देते हैं और जब वो लड़की उन पर ज़्यादा दबाव बनाते हैं तो वो वहाँ से भाग आते हैं। और एक दिन वही लड़की डॉक्टर फ्रायड को एक खत लिखती है और उस खत में लिखती है कि उस डॉक्टर ने मेरे साथ क्या क्या किया है। और वो चिट्ठी मिलने के बाद डॉक्टर फ्रायड यांग को कॉल करते हैं और उसके और उस लड़के के बारे में पूछते हैं कि उसके साथ उसका कैसा रिश्ता था और तब यांग झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि वो सिर्फ मेरे एक दोस्त हैं। और अगले दिन वही लड़की डॉक्टर यांग से मिलने उनके घर जाती है और वो लड़की डॉक्टर यांग को ब्लैकमेल करने की धमकी देती है, वो कहती है कि मुझे डॉक्टर फ्रायड से मिलो वरना मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँगी। और तब डॉक्टर यांग उसकी बात मान लेते हैं और डॉक्टर फ्रायड को कॉल कर देते हैं कि ये लड़की तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हारी हेल्प लेगी। और हमें कुछ सालों के बाद दिखाते हैं कि वही लड़की डॉक्टर यांग से मिलने आती है उनके घर और वो लड़की प्रेग्नेंट होती है और वो डॉक्टर यान से बोलती है कि तुम्हारा ही बच्चा है और डॉक्टर यान उससे बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ ये मेरा ही बच्चा है लेकिन कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता तो तुम यहाँ से चली जाओ। और उसके बाद वो लड़की वहाँ से रोते हुए निकल जाती है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।